नमस्कार, मैं हूं नितेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं मिथ मीडिया एंटरटेनमेंट। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के तमाम सैनिकों की कहानी और उनकी वीर गाथाएं तो आपने तमाम सुनी होंगी, लेकिन आज हम जिस शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वो हिंदुस्तान का ना होकर भी उसने अंग्रेजों से लोहा लिया। इतना ही नहीं, उसने जाते जाते भारतीय किसानों को एक ऐसी क्रांति का उदय कर गया जिसे आज भी उसके दिए हुए मार्ग पर चलकर किसान अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। स्वतंत्रता के महासंग्राम में देश के वीर सपूतों की भागीदारी और उनके पराक्रम के किस्से तो आपने बहुत सुने और पढ़े होंगे, लेकिन भारतीय इतिहास की किताबों और इतिहासकारों ने एक ऐसे शख्स को अपनी कलम से लगभग दूर कर दिया जिसने भारत की आजादी और यहाँ के लोगों के अधिकारों की खातिर अंग्रेजों से लोहा तक ले लिया। वो नाम है स्टोक्स जूनियर उर्फ सत्यानंद। दरअसल साल 1904 में अमेरिका में अपनी आराम की जिंदगी छोड़ सैमुअल भारत आए। उनके पिता को लगा कि उनका बेटा कुछ समय के लिए ट्रिप पर जा रहा है, लेकिन वो अनजान थे कि ये यात्रा उनके बेटे को अमेरिकी से भारतीय बना देगी। सैमुअल ने भारत आकर हिमालय की गोद में शिमला के पास कोड पीड़ितों की सेवा करना शुरू कर दिया। इनकी परपोती आशा शर्मा ने इनकी बायोग्राफी गांधी के भारत में एक अमेरिकी में लिखा है। जब सैमुअल भारत में काम कर रहे थे तो एक वक्त के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अभी भी भारतीय लोग उन्हें बाहरी समझते हैं, लेकिन सैमुअल चाहते थे कि भारतीय लोग उन्हें अपना ही हिस्सा समझें। इसलिए उन्होंने भारतीयों की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पहाड़ी बोली बोलना भी सीखा। उनका ये तरीका काम कर गया। साल 1912 में सैमुअल को राजपूत क्रिश्चियन मूल की लड़की बेंजामिन एग्निहस से प्यार हो गया, जिनसे बाद में उन्होंने शादी भी की। साल 1916 में सैमुअल को अमेरिका में उगाए जाने वाले सेब की एक प्रजाति के बारे में पता चला, जिसे देखकर उन्हें लगा कि हिमालय के मौसम और मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने पहाड़ी लोगों को सेब की खेती करने के लिए जागरूक किया ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने अपने संपर्कों के जरिए इन लोगों के लिए दिल्ली के बाजार के रास्ते भी खुलवा दिए। इसलिए सैमुअल को हिमालय का जोहनी एप्पल सीड भी कहा जाता है। सैमुअल को सिर्फ इसलिए ही याद नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति में हिस्सा लेने के लिए भी याद किया जाता है कि कैसे उन्होंने एक अमेरिकी होते हुए भी अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की आग उगली। भारतीयों पर ब्रिटिश राज का सैमुअल ने हमेशा ही विरोध किया था। वो सबसे ज्यादा प्रभावित श्रम के खिलाफ थे। इसमें भारतीय पुरुषों को जबरदस्ती ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने कई बार ब्रिटिश सरकार को नोटिस जारी कर इसके खिलाफ आगाह किया। उन्होंने पहाड़ी लोगों की गरिमा बनाए रखने के लिए हर बार ब्रिटिश सरकार से टक्कर ली। उन्होंने सरकार को ये साफ कर दिया कि वो ना तो पहाड़ी लोगों को जबरदस्ती सिपाही बना सकते हैं और ना ही ब्रिटिश अधिकारियों का सामान ढोने पर मजबूर कर सकते हैं। अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना के बाद सैमुअल ने भारतीय लोगों के खिलाफ हिंसा देखी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। वो पंजाब में बहुत सक्रिय हो गए और पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने। उनकी परपोती शर्मा लिखती है कि साल 1920 में वो न केवल एकमात्र अमेरिकी बल्कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नागपुर सत्र में भाग लेने वाले एकमात्र गैर भारतीय थे। वो कोट घर के प्रतिनिधि थे। अपने साथ बच्चों में से एक की बहुत कम उम्र में मौत के बाद सैमुअल ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। वो सैमुअल स्टोक्स से सत्यानंद बन गए। उनकी पत्नी ने भी अपने पति का अनुसरण करते हुए हिंदू धर्म अपनाया और वो प्रियदेवी कहलाईं। उन्होंने अपने सभी बच्चों को भारतीयों की तरह पाला। उन्होंने कहा, मैंने एक भारतीय से शादी की, मैं भारत में रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरे बच्चों को भारतीयों के रूप में जाना जाना चाहिए, न कि इंग्लो इंडियंस के रूप में। इस बदलाव के लगभग 10 साल बाद एक बीमारी के चलते सत्यानंद ने 14 मई 1946 को अपनी आखिरी सांस ली। उन्हें शिमला के कोट घर में दफनाया गया। तो इस वीर की दास्तान में इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मिथ मीडिया एंटरटेनमेंट। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।